सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पर आज हम जानेंगे कि कैसे हम एक्सेल के अंदर अपना सेल परचेज को मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग देंगे सीरियल नंबर, आइटम नेम, परचेज, सेल और स्टॉक। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं उनको हम आइटम नेम के अंदर लिख देंगे। प्रोडक्ट के नाम लिखने के बाद यहाँ पर सीरियल नंबर के अंदर सीरियल नंबर डालेंगे। एक और दो लिखने के बाद आप चाहें तो इसको ड्रैग कर सकते हैं या डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोफिल हो जाएगा। अब जितनी भी क्वांटिटी आपने परचेज़ की है वो परचेज़ के अंदर लिख देंगे, जो आपने सेल किया है वो सेल के अंदर लिख देंगे। स्टॉक के अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे परचेज माइनस सेल इक्वल C4 माइनस D4। एंटर प्रेस करेंगे, जो भी हमारे पास स्टॉक बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो फॉर्मूला सबके ऊपर आ जाएगा, सबका स्टॉक जो बैलेंस होगा वो दिख जाएगा। टेबल को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है टेबल का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर आपकी टेबल की फॉर्मेटिंग अपने आप हो जाएगी, ऑटोमेटिक फिल्टर लग जाएगा। ऊपर वाली रो को मर्ज कर देंगे, यहाँ पर कुछ भी हेडिंग दे सकते हो आप। तो यहाँ पर अब जैसे हमको देखना है कि हमारे पास किसी एक प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी हमारे पास बची हुई है, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जिस भी प्रोडक्ट को हमको सर्च करना है उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे, जैसे हम कुछ भी नाम डाल देते हैं, रेडमी 10 डाल देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर ये खाली रेडमी 10 ही दिखाएगा। इसको क्लियर करने के लिए वापस उसी के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है क्लियर फिल्टर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिल्टर हट के वापस ही वैसा हो जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।